बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेक्चर चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द एल्केमी, वी स्टडी अबाउट द पीरियड्स एंड ग्रुप्स, एंड वी स्टडी अबाउट द पीरियोडिक टेबल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सम वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। फायरवर्क्स, ब्यूटिफुल फायरवर्क्स डिस्प्ले आर कॉमन ऑन सेलिब्रेशन लाइक पाकिस्तान डे और इवन ऑन मैरिजेस। आपने फायरवर्क्स देखे होंगे, शादियों में होते हैं और जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना हो, न्यू ईयर्स पे, हर जगह ये फायरवर्क्स होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वेंट हुई थी चाइना में, विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी डेंजरस बट केयरफुल यूज़ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड पर्टिकुलरली मेटल सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन गिव ब्यूटी एंड द कलर्स टू द फायरवर्क्स। फायरवर्क्स जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन अगर उनको एक केयरफुल इन्वायरमेंट में उसको चलाया जाए या उसको एक जो है वो एक अंडर सुपरविजन चलाया जाए तो वो इतने भी डेंजरस नहीं है। यानी कि वो एक अंडर सुपरविजन जो है वो उनको चलाया जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, मेटल सॉल्ट्स के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि फायरवर्क्स को डिफरेंट टाइप की ब्यूटी देते हैं। और फायरवर्क्स में आपने देखा होगा कि डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, कोई ग्रीन होता है, कोई रेड, कोई येलो, कोई पिंक, कोई ब्लू। तो वो ऑल द कलर्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से आते हैं, मेटल सॉल्ट से, जो कि डिफरेंट कंपोजिशन रखते हैं, यानी कि उसको पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, एलुमिनियम, दीज आर यूज इन दी पाउडर्ड फॉर्म। तो फायरवर्क्स में वो एलिमेंट्स जो पाउडर फॉर्म में यूज़ होते हैं वो हैं मैग्नीशियम, एलुमिनियम, और बेसिकली वो एक पाउडर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फायरवर्क्स को डिस्कस करने का एक जो बेनिफिट है वो ये है कि हमने अभी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया, हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड कौन सा है, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द फैमिलीज के अल्कली मेटल्स कौन से हैं, अल्कली मेटल्स ऑन अर्थ कौन से हैं, हैलोजन्स कौन से हैं, नोबल गैसेस कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चला कि वो एलिमेंट्स जो कि पाउडर फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं वो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ इज़ जस्ट फॉर योर एनालाइजेशन। आपने अभी जितना पीछे पढ़ा होता है उसकी एक क्वेश्चनिंग बना के उन्होंने हमें दे दी होती है कि आप जो है वो इन क्वेश्चन को एनालाइज करें, यानी कि जो भी पिछला टॉपिक आपने पढ़ा उससे आपने क्या एनालाइज किया है। नंबर वन, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स यू स्टडी अबाउट द रेगुलर इंटरवल्स। यह आपने पढ़ा था सेलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, यानी कि आपने पीरियड्स में पढ़ा था। Properties of elements repeat after regular intervals because of increasing atomic masses from left to right. The elements with similar configuration repeat after regular intervals in the successive periods. यानी कि period में क्या होता है, element one by one counting wise वो चलना start करते हैं, और one के बाद two, two के बाद three, three के बाद four, यानी कि उनके atomic masses जो हैं वो उनकी numbering से ही उनकी numbering पर depend करते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक repetitive रेगुलर इंटरवल्स के साथ बढ़े। लेकिन जब हमने ग्रुप की बात की थी तो उसमें क्या था, रेगुलर इंटरवल्स के साथ एटॉमिक मैसेज इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। अगर किसी का 4 है तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट का जो है वो 24 है, नेक्स्ट का 34 है, तो इट जस्ट कम्प्लीटली कि वो इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन वो बहुत लार्ज इंटरवल्स आ रहे हैं उसमें। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो एक रेगुलर इंटरवल के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं और उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस या स्पेस नहीं है, वो हमारे पास कौन से होते हैं, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, और उनको हम कहते हैं पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम एंड सिंबल्स। फर्स्ट पीरियड जो है उसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमारे पास टू एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर टू एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो टू एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन H एंड हीलियम HE। हाइड्रोजन का सिंबल है H एंड हीलियम का सिंबल है HE। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। द एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव देयर वेलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एस और पी सबशेल रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम उन एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी वेलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सिर्फ एस तक हैं या वो सिर्फ पी तक हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं 1s, 1 और 2,
2s2, तो सबसे पहले s आता है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम है, उनका जो एटॉमिक नंबर, जब हम उनकी कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो s ब्लॉक में आएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ s में ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे वो s को कंप्लीट करके p पे चले जाएंगे, तो इसलिए उनके पास s भी होगा और p भी होगा। वो एलिमेंट्स जो सिर्फ p तक रहेंगे उनको हम कह देंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स। For example, elements of group 1 and 2 have valence electrons in the s subshell, therefore they are called s block elements, yani ke hydrogen and helium. Elements of group 13 to 18, ab groups ki baat ho rahi hai, groups mein 13 se jo 18 pe hamare paas elements hain unme valence electrons jo hai wo sirf p subshell tak aate hain, therefore they are called p block elements. wo elements jinki configuration kare aur unke elements p tak aayenge unko kehte hain p block elements, and wo elements jinke इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उनके एटॉमिक नंबर एस तक आएगा उसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द ग्रुप 17, इज़ देयर एनी लिक्विड, व्हाट इट्स नेम। ग्रुप 17, हमारे पास जो 17 ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट्रियम एंड यूरेनियम। इन अ ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल देर इज़ वन लिक्विड एलिमेंट। इन पूरे एलिमेंट्स में से उन्होंने हमसे, आपने पहले देखना है कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आप सबसे पहले मेंबर्स के नेम लिखें, ग्रुप 17 में कौन कौन से मेंबर्स के नेम हैं, विच इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड दीज टू इन ग्रुप 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज़ देयर एनी लिक्विड। उन्होंने कहा है इसमें कोई लिक्विड है? येस, देयर इज़ वन लिक्विड एलिमेंट। वॉट इज़ इट्स नेम? इट्स नेम इज़ ब्रोमीन, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Br। आपने क्वेश्चन में देखना है कि उन्होंने हमसे क्या क्या मांगा है, आपने वन बाय वन उसकी फुलफिलमेंट करनी है, एंड देन योर आंसर विल बी कम्प्लीट। अगर आपने एक आंसर क्वेश्चन के अंदर आपने एक पार्ट का आंसर कर दिया, सेकेंड पार्ट का नहीं आंसर किया, तो इट डजेंट मीन कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यू मस्ट हैव टू क्लैरिफाई योर क्वेश्चन, देन यू कैन आंसर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस, फॉर योर एसईक्यूज़, फॉर योर एमसीक्यूज़। ये इनमें से अब हम नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी की, जिसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, और जिसमें हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी, इन सब टॉपिक में से एक टॉपिक मस्ट होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो यू मस्ट हैव टू बी learn every single thing in it. As we know that atoms are very small and don't define boundaries that fix their sizes, so it is difficult to measure the size of an atom. हमें पता है कि एटम जो एक बहुत छोटी सी चीज़ है और उसकी बाउंड्री को डिफाइन करना किसी हद तक इम्पॉसिबल है, ठीक है, और हम ना एटम को मेजर कर सकते हैं ना उसका साइज बता सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग। उस चीज़ को मेजर करना इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर द कॉमन मेथड टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ टू अज्यूम डेट एटम्स आर स्फीयर। अब हमने एटम के साइज़ को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि एटम हमारे पास एक स्फीयर की तरह दिखता है। स्फीयर क्या होता है? इट्स लाइक 3D थिंग, और जिसमें हमारे पास, आप उसको समझ लें कि एक जैसे बॉल होती है। बॉल क्या होती है? अगर हम उसको 3D एंगल में देखें तो एक स्फीयर शेप है, ठीक है। सो व्हेन दे लाई क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर, तो यानी कि अगर हमारे पास दो एटम्स दे दिए, हमने दोनों एटम्स को अज्यूम कर लिया कि दोनों स्फीयर की शेप रखते हैं, तो उन ये कहा गया है कि जब दोनों स्फीयर्स को आपस में साथ मिलाया जाएगा तो वो आपस में टच करेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम। आपने हाफ स्फीयर ले लेना है, हाफ स्फीयर, और वो पॉइंट जहाँ पे दोनों एटम्स आपस में टच किए हैं वो पॉइंट, तो यहाँ से हाफ ऑफ द स्फीयर एंड द टच पॉइंट, आपने वहाँ पर जो उसकी मेजरमेंट देखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बाउंडेड एटम्स इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया उन्होंने हमें, जो कि बिटवीन है टू बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इज़ द एलिमेंटल फॉर्म विच इज़ 154 PM। इट मीन्स इट्स हाफ 77 PM इज़ द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। स्फीयर, जब हम दो स्फीयर्स की बात करेंगे ना, तो हम उनका सेंट्रल पॉइंट लेंगे, यानी कि उन स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट,
ये नहीं देखेंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ से हो रहा है. नो, आपने जब टू स्फेयर्स ड्रॉ करने हैं उनके दो सेंट्रल पॉइंट्स ले लेने, आप दोनों सेंट्रल पॉइंट्स पे लाइंस लगा लें. ठीक है, आपके पास टू सेंट्रल पॉइंट्स आ गए. टू सेंट्रल पॉइंट्स की जो हमारे पास एक एलिमेंटल फॉर्म थी, हमने उसको कंसिडर कर लिया कि वो है 154 PM. ठीक है, यानी कि ये हमारे पास रेडियस क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है 2R. 2R कैसे आ रहा है, क्योंकि हम दो स्फीयर्स के रेडियस को देख रहे हैं. दोनों स्फीयर्स के दरमियान में एलिमेंटल फॉर्म 154 PM है और रेडियस किन दोनों का रेडियस आ रहा है 2R, यानी कि टू स्फीयर्स का रेडियस. अब हमने रेडियस निकालना है एटॉमिक रेडियस, यानी कि हाफ स्फीयर का, जहाँ से हमने स्फीयर का पॉइंट स्टार्ट किया था वहाँ से लेके जो उनका टच पॉइंट है, जहाँ उनका मीटिंग पॉइंट है, वहाँ तक हमने कंसीडर किया. अब 154 का आप हाफ करें तो आएगा 77 PM, और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है आर. आर का मतलब है कि हमने सिर्फ एक आधे स्फीयर का एटम का रेडियस निकाला है, विच इज़ आर. जब टू स्फीयर्स का निकालेंगे तो 2R, और वन स्फीयर का निकालेंगे तो 1R. द रेडियस ऑफ कार्बन एटम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड थ्रू एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस. इसका क्या मतलब हुआ, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस यानी कि हमारा जो साइज ऑफ द एटम है, वो क्या करता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. जितने जितने नंबर ऑफ एटम्स होते रहते हैं, ठीक है, उतना उतना उसका हाफ करके उसका जो साइज़ होगा एटम का, वो डिक्रीज होता जाएगा. इट इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं पीरियड में. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज हो रहा है. यू हैव टू मेक अ कॉन्टेंट, आप एक कॉन्टेंट बना लें. ठीक है, अब हर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, डिस्कस कैसे करेंगे, इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि एटॉमिक साइज़ जो है और एटॉमिक रेडियस में पीरियड और ग्रुप पे क्या इफेक्ट हुआ है. पीरियड में आपने देख लिया कि लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल, दैट इज शेल्स डू नॉट इंक्रीज. देर इज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ प्रोटॉन. दिस फोर्स पुल डाउन और कॉन्ट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट शेल है, न्यूक्लियस जो है, उसको अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जब जैसे जैसे आप मूव करेंगे, उसमें आउटर मोस्ट शेल जो है ना, वो सेम रहेंगे. ठीक है, शेल्स इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे उसमें. ठीक है, एटॉमिक साइज इन पीरियड टू डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू नियॉन. अब आपके पास एक एग्जांपल दे दिया उन्होंने कि हमारे पास, हम एक सेकंड पीरियड जो है ना उसको कंसीडर कर लें. सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड निकल. लिथियम का एटॉमिक रेडियस, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या है, 152. बेरियम का क्या है, 1113. अब आप देख रहे होंगे कि साइजेस डिक्रीज होते जा रहे हैं. 152 बड़ा है, 113 छोटा है, 88 उससे छोटा है, 77 उससे छोटा है, 75 उससे छोटा है, देन 73, 71 एंड 69. अब आपको ये प्रूव हो गया है कि हम लोग अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा. द साइज ऑफ एटम्स और द रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. जो चीज़ पीरियड में होगी वो ग्रुप के ऑपोजिट हो जाएगी. अगर पीरियड में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज हो रहा था और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में होगा एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ग्रुप में साइज ऑफ एटम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सॉरी, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. पीरियड में डिक्रीज होगा और ग्रुप में इंक्रीज होगा. द साइज ऑफ एटम्स और देयर रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड. पीरियड्स में हमने देखा था कि वैलेंस शेल्स सेम है, शेल्स नहीं बढ़ रहे. प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शेल्स नहीं इंक्रीज हो रहे. ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं.
तो क्या हो रहा है इसमें, द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज स्लाइट वेरिएशन व्हेन वी कंसीडर दिस सीरीज इन अ पीरियड. लिथियम में अगर रेडियस जो है हमारे पास एटॉमिक साइज 152 था, तो लिथियम के नीचे आता सोडियम, सोडियम के नीचे पोटाशियम, पोटाशियम के नीचे रुबेडियम, रुबेडियम के नीचे सीजियम. तो 152 से क्या होगा, बड़ा आएगा 186. इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो साइजेस इंक्रीज होते जाएंगे. आपने एज एन एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इनके रेडियस याद कर लेने हैं, ठीक है. आपको उस टाइम पर जो है वो एक रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पेपर में आएगा कि आपने की रेडियस कैसे निकालना. इट्स द जर्नल टर्म. मैंने वैसे आपको बता दिया कि ये रेडियस होता है, और ये हमारे पास दो स्फीयर्स ले लेने हमने, और हमें पता है कि 154 उसका वो है, और हमने उसके अकॉर्डिंग उसका हाफ निकाल लेना, ठीक है. और अब आपको पता चल गया कि एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज होगा और ग्रुप में इंक्रीज होगा, ठीक है. ये हमारा था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज इट्सेल्फ बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. वो इलेक्ट्रॉन्स जो के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. वो एटम्स जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली वो अफेक्टिव चार्ज को रिड्यूस कर रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है. न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान वाले जो एटम्स होंगे, ठीक है. द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज पार्शली इन द आउटर मोस्ट शेल रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. अब जैसे जैसे अब एक स्पेस है हमारे पास, अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस में क्या है, सन, सन के अराउंड क्या हो रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो जो मरकरी है उसके पास जो सन की जो वेव्स आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, सन की जो हमारे पास उसकी क्या कहते हैं, उसका वार्म्थ आ रहा है हमारे पास मरकरी के पास, वो नेपच्यून के पास नहीं है. तो नेपच्यून जो है वो सन के पास उसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ द इनर प्लैनेट्स. यानी कि आप न्यूक्लियस कंसीडर कर लें कि मरकरी, सन हमारे पास न्यूक्लियस और नेपच्यून जो है हमारे पास एक आउटर मोस्ट शेल है, तो उनके बीच में जो हमारे पास प्लैनेट्स आ रहे हैं वो बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं चार्ज को, कि आउटर मोस्ट के नेपच्यून जो है वो सन के पास उसकी अट्रैक्शन कम है, क्योंकि उसके दरमियान में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसकी सन की अट्रैक्शन ली हुई है, जिसकी वजह से नेपच्यून के पास इतना वे ऑफ सोर्स नहीं है कि वो न्यूक्लियस के पास जा सके, या न्यूक्लियस की जो हमारे पास बेसिक नीड्स हैं वो नेपच्यून के पास जा सके. इसी तरह क्या है कि जो अट्रैक्शन है आउटर इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स द न्यूक्लियाई वो पार्शियली कम है बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स. वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस न्यूक्लियर चार्ज देन डैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज विच इज़ कॉल्ड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको भी यही बताया कि जो जैसे नेपच्यून है उसके पास कम सोर्सेज हैं, कम उसके पास सन की हीट जा रही है, सन के जो सोर्सेज हैं वो कम जा रहे हैं, इसी तरह वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके पास जो एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं जा रहा होता, वो बहुत कम अमाउंट में जा रहा होता है, उसको हम लोग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. एक्चुअल चार्ज नहीं जा रहा होता बल्कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होकर उसके पास जा रहा है, एक रियल चार्ज नहीं जा रहा उसके पास. इसका क्या मतलब है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. इसका ये मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनर शेल्स में प्रेजेंट हैं, यानी कि वो प्लैनेट्स जो कि सन और नेपच्यून के दरमियान में हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो शील्ड कर रहे हैं, यानी कि उनकी हिफाजत कर रहे हैं, यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेपच्यून की सन की तरफ, सन की नेपच्यून की तरफ होनी चाहिए, वो बेसिकली उसको शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रही है सन और नेपच्यून. इसी तरह न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो इनर शेल्स हैं वो हमारे पास एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट्स वाई सन और नेपच्यून यानी कि आउटर मोस्ट शेल और वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो एक्चुअल चार्ज है वो नहीं जा रहा बल्कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, कि वो इतने आपस में उनकी अट्रैक्शन नहीं हो पा रही.
दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. वो शील्ड जो इनर शेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. विद इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑल्सो इंक्रीजेज, विच ऑल्सो इंक्रीजेज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर ग्रुप वाइज जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज हो रहे हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा. द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ दिस इट इज ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटाशियम एंड फ्रॉम सोडियम एटम. सिमिलरली द शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज इन अ पीरियड इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब वो हमें क्या कह रहे हैं, एटॉमिक्स आपने साथ साथ रिलेट करते जाना है. जब आप चीज़ों को रिलेट आपस में करते हैं ना तो आपको वो चीज़ ज़्यादा जल्दी आपकी लर्निंग में आती है. शील्डिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है कि ग्रुप जो है एटॉमिक साइज में हमने क्या पढ़ा था, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था. शील्डिंग इफेक्ट में क्या हो रहा है, पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इन दोनों में डिक्रीज हो रहा है पीरियड में, ठीक है. शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और ग्रुप में क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था, शील्डिंग इफेक्ट में भी इंक्रीज हो रहा है. द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटाशियम. हम शील्डिंग इफेक्ट में अगर बात करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने हों, यानी कि जिसके भी पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, हमें अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन्स लेने ज़्यादा ईजी हैं. एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द सोडियम एटम्स, यानी कि पोटाशियम जो है वो Z इज इक्वल्स टू 19 है. ज़्यादा हैं तो ज़्यादा में से थोड़े लेना, इट्स ईजी. फिर उससे ज़्यादा सोडियम है यानी कि Z इज इक्वल्स टू 11. सो दैट्स वाई जो शील्डिंग इफेक्ट होता जाएगा वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, ठीक है. जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे उसकी शील्डिंग इफेक्ट भी थोड़ा वो लाइट 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 करता करता वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा. शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है. इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो क्या होगा, जो वेलेंस शेल का हमारे पास न्यूक्लियस के साथ एक बॉन्ड बन रहा था वो वीक होता जाएगा. जितना वो वीक होता जाएगा उतनी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती जाएगी और हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो है वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि वेलेंस शेल में एक्स्ट्रा माना जाएगा उसको हम इजीली जो है वो बाहर निकाल देंगे और वो किसी और के साथ मिल जाएगा, ठीक है. तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा जो है वो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे. यहाँ पे आपको एक सोडियम एटम नज़र आ रहा है और पोटाशियम एटम नज़र आ रहा है. सोडियम एटम में आप देखें, अभी हमने बात की पोटाशियम एटम में 19 है, तो यहाँ पे आप 19 में देखें ज़्यादा शेल्स बन रहे हैं. तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो है वो 2-3 शेल्स आ रहे हैं. 3 शेल्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो हमारे पास एक डिस्टेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, यानी कि उनका एक्चुअल चार्ज नहीं जा रहा बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया. इसीलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली बाहर निकल जाएगा. सोडियम में शेल्स पोटाशियम में 3 थे तो सोडियम में 2 हो गए. शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर भी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन उस अमाउंट में नहीं कर रहा जिस तरह पोटाशियम कर रहा है. लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो उसमें डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पहले कम आते हैं एलिमेंट्स, यानी कि आपके पास 3 हैं तो 3 इज़ वेरी इजी. आप उसमें क्या होगा कि अब आपके पास सबसे पहले हाइड्रोजन एलिमेंट आ गया, फिर आ गया हीलियम. हीलियम में क्या हो रहा है, सिर्फ 1 शेल है तो उसका अपने न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड एक्चुअल चार्ज बना हुआ है तो वो क्या होगा, वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा. तो दैट्स वाई पीरियड में जो है वो डिक्रीज होगा. हमने सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताने के स्टार्ट कैसे हो रहा है, एंड पे आता आता वो बढ़ता है या ख़राब होता है, इट डजेंट मैटर. शील्डिंग इफेक्ट में ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट, और पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. सो दैट वाज आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है फायरवर्क्स के बारे में. फायरवर्क्स में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और हमारे पास ये यूज़ कैसे होते हैं पाउडर फॉर्म में. देन वी डिस्कस द टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस एंड देन वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइजेस. उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने जो है वो एटम जो है वो बहुत स्मॉल सी एक चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, तो उसकी साइज़ को डिडक्ट करना या उसके बारे में पहचाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसलिए हमने उसको कंसीडर कर लिया कि वो हमारे पास स्फीयर की शेप में है, तो वहाँ से हमारे पास एटॉमिक रेडियस आया. अगर 2 स्फीयर्स का रेडियस होगा तो वो 2R होगा, 1 का होगा तो उसको सिर्फ R में मेंशन करेंगे. एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज़ करता है, ग्रुप में इंक्रीज़ करता है. इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट भी ग्रुप में इंक्रीज़ कर रहा है.
और ग्रुप पीरियड में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल. आपने जो है यहीं पे कंटेंट बना लेना है कि एटॉमिक साइजेस में अगर पीरियड में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी क्या वजह है. इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप में कैसे इंक्रीज़ हो रहा है और पीरियड में कैसे डिक्रीज़ हो रहा है. सिर्फ इसकी बेसिकली आपने डेफिनेशन मेंशन करनी है, कोई डायग्राम है तो वो मेंशन करनी है, एंड एग्जांपल इज़ मस्ट. और आपने ये बताना कि पीरियड और ग्रुप में कैसे इंक्रीज़ करें. शील्डिंग इफेक्ट में भी यही डेफिनेशन बताएं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताएं, उसके बाद आपने बताना है कि पीरियड में और ग्रुप में कैसे इंक्रीज़ करें, एंड देन यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स इज़ मस्ट. आपने एटॉमिक रेडियस याद कर देनी है, और शील्डिंग इफेक्ट में आपने पोटाशियम और सोडियम की एग्जाम्पल दे देनी है पीरियड में, सॉरी ग्रुप में. ठीक है, या आपका आपको मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का भी तरीका बता दिया. ठीक है, इट इट विल हेल्प यू. इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ भी इस टॉपिक में समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड फ्रेंकली इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू अबाउट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. After these three topics, we will discuss about the test yourself, or then फिर हम लोग exercise और long questions and short questions को discuss करेंगे, और फिर मैं आपको एक overview दूंगी इस पूरे chapter का, इस chapter में हमने क्या पढ़ा. Chapter is not itself difficult. Book पे कुछ ऐसी lines लिखी होती हैं जो आपको difficult लगती हैं, but it doesn't mean कि वो difficult हैं. चैप्टर इज़ वेरी ईजी अगर आप समझ के पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे बिल्कुल कोई क्रैमिंग नहीं है. अगर आपको पीरियोडिक टेबल देखना आता है और आपने किसी हद तक पीरियोडिक टेबल को अपने माइंड में रिमाइंड कर लिया है, तो आप जो है यहाँ से पीरियड्स भी देख के बता सकते हैं, ग्रुप्स भी देख के बता सकते हैं, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा एस में आ रहा है, कौन सा पी में आ रहा है, कौन सा एफ ब्लॉक में आ रहा है. तो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली ईजी फॉर यू. इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू, आप उस चीज़ को कैसे लेकर चलते हैं. तो जितने मैंने आपको लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, आप जो है इसको ऐसे ही इसी फेज में लर्निंग में लेकर आएँ. ठीक है, इफ़ माई नोट्स कैन हेल्प यू इन एनी टाइप ऑफ वे, यू कैन हेल्प मी फ्रॉम माई नोट्स टू. और उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी फ्रीली. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.